ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इस लड़के ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर तलाक दे दिया और बाद में निकाह हलाला के चलते इस लड़की की शादी एक बुजुर्ग मौलवी से करवाई गई। हालांकि बाद में इस बुजुर्ग मौलवी ने लड़की को वापस लौटाने से मना कर दिया। साल 2023 के जुलाई महीने में भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया गया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि निकाह हलाला एक कानूनी प्रथा है जिसमें अगर कोई शख्स एक ही महिला से दो बार शादी करने के बाद तीसरी बार तलाक लेता है तो वो महिला उस शख्स के लिए हराम यानी निषेध मानी जाती है। दोबारा उसी महिला से शादी करने के लिए पहले उस महिला की शादी किसी और व्यक्ति से करवानी होती है और बाद में उस महिला का पति मर जाए या फिर वो खुद महिला को तलाक दे दे तब वो महिला अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। हमें 25 नवंबर 2022 को वायरल वीडियो का ये लंबा वर्जन मिला। शर्मीन शकील नामक इस YouTube चैनल ने ये वीडियो बांग्लादेश का बताते हुए अपलोड किया था। इस चैनल के होम पेज के मुताबिक ये मनोरंजन के मकसद से वीडियोस बनाते हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने इस चैनल पर ऐसे और भी कई वीडियोस देखे जिसमें वायरल वीडियो में दिखने वाले लोग ही हैं और अलग अलग भूमिकाएँ निभाते हैं। यानी असल में वायरल वीडियो मनोरंजन के मकसद से बनाया गया था और ये कोई असली घटना नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड वीडियो है।